से कहो ना कि मेरे साथ चल के माफी मांगी उन लोगों से। नवी भाई को तुम्हारी तो अच्छी तरह से समझ लगाऊंगी मैं। अपना घर डांटा है उसे तुमने? हाँ। मैं घर तो बसा लिया, मेरी बेटी के नसीब क्यों खोटे करने चली हो तुम? उसका मजाल मेरे सामने कुछ बोले? नसीब खोटे तो गलत फैसलों से होते हैं पप्पू। पेमेंट के लिए एक और सही। बाप हूँ मैं उसका। उनकी डांट तो वैसे भी बचपन से सुनते हुए। फहमी एनी को धमकाती है कि मैं तुम्हारी शिकायत हबीब से करूंगी, लेकिन एनी कहती है कि गलत फैसलों से नसीब ख़राब होते हैं और अमन की खातर मैं एक बार फिर अब्बा की बेइज्जती बर्दाश्त कर लूंगी। एनी अमन को तसल्ली देती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन राहीला मुंह बना की बेटी होती है जिसे राजी करने के लिए हबीब राहीला को कहता है कि एनी मेरी बेटी है और मैं उसे बहुत डांट चुका हूँ। तभी राहीला कहती है कि सिर्फ डांटने से कुछ नहीं होगा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि वो मेरे साथ जाके उन लोगों से माफ़ी मांगे जिसकी उन्होंने बेइज्जती की है। फराज दूसरी शादी शाजिया से करना चाहता है और उसकी इजाज़त नामे के लिए वो सायका से साइन करवाता है, लेकिन इत्तेफाकन वो डॉक्यूमेंट समीना के हाथ लगता है और वो सायका से पूछती है कि क्या तुमने फराज को दूसरी शादी करने की इजाज़त दी है। क्या राहीला अपनी जिद पूरी करने के लिए एनी से माफी मंगवाएगी? क्या हबीब उसे मजबूर करेगा माफी मांगने के लिए? देखने और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। शुक्रिया।